हेलो एंड यू वाचिंग क्लैप ट्रैप, वी आर बैक अगेन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर री अपलोडिंग दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ आपके लिए एक गिफ्ट जो है आपके लिए फ्री ऑफर लेके आए हैं, जो एंड ऑफ द वीडियो आपको बताएंगे। पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो मंजी। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड सर, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू क्लैप ट्रैप, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड शूटिंग आई गेस हमारी 10वीं या 11वीं एपिसोड है आपके साथ में, राइट? ठीक है, सो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा रेगुलर क्वेश्चन होता है कि नेम ऑफ द कंपनी एंड व्हाट ऑल वी डील इन टू। कंपनी नेम इज HOAM डेकोर। ये रिठाला वाला आउटलेट नहीं, ये सिकंदरपुर गुड़गांव वाला आउटलेट है। और इस आउटलेट पर आपको हमारे पास सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं वॉलपेपर्स के, मतलब एक प्रीमियम रेंज वॉलपेपर्स की, जो कोरियन होगी, यूरोपियन होगी और इटालियन पेपर्स। अच्छा, ठीक है। ये जो आउटलेट है हमारा गुड़गांव सिकंदरपुर नियर मेट्रो पिलर नंबर 50 के लेफ्ट हैंड साइड पर अवेलेबल है, अगर आप ये गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन की तरफ से आते हैं, और अगर आप सिकंदरपुर की तरफ से आते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपको HOAM डेकोर का आउटलेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। PVC पैनल, आर्टिफिशियल ग्रास, ब्लाइंड्स, सारे प्रोडक्ट्स पे होलसेल और रिटेल दोनों में डील करते हैं, ये हमारा रिटेल आउटलेट है। ठीक है, ये तो हो गई आपके बिजनेस की बायोग्राफी, है ना? हर एक जीवन कथा होती है ना, बायोग्राफी ऑफ एवरी बिजनेस। लेकिन जितनी इंटरेस्टिंग बिजनेस की बायोग्राफी है, उतनी इंटरेस्टिंग आपकी खुद की भी बायोग्राफी है। जी। तो हम सोच रहे थे अगर आप अलाउ करेंगे तो हम वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे इसको, अदरवाइज एडिट कर देंगे। तो आपसे थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, ये ही मेरे ख्याल से हम इंडियंस को या किसी भी इंसान को ये इंस्पायर करती हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है, आई गेस आपके जो हमारे व्यूअर्स हैं, मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स, those who want to start their own business, those who want to shape their career, your story can inspire them. So I would request you, if you allow me, to please share your story with us. Done sir, आप पूछिए questions, वो पूछेगा। कहाँ से आपने start किया? अच्छा, I'm not sure I'm going to keep this, but मेरा सवाल आपसे वही होगा कि आपने कहाँ से start किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे, quickly मुझे बताइए। सर 2011 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था। बेसिकली फादर कहीं काम करते थे, फादर किसी के पास जॉब करते थे, इंटीरियर डिजाइनिंग कहीं उनका काम था। अच्छा। काफ़ी सारे लॉसेस हुए थे पहले। अच्छा। लॉसेस क्लियर हुए, मतलब लॉसेस क्लियर क्या हुए, लॉसेस होने के बाद कहीं उन्होंने जॉब किया। मैं नारायणा बैंटेक्स में जॉब करता था, 2010 की बात है ये। अच्छा। 10 में जॉब करता था, 2700 या 3000 के आसपास मेरी सैलरी हुआ करती थी वहाँ पर। ओके। और वहाँ से स्टार्ट करने के बाद सुबह रोहिणी सेक्टर 22 के पास मेरा घर होता था, वहाँ से मैं बस लेता था। 3 रुपीज़ की टिकट होती थी उस टाइम पर। 3 रुपीज़ की टिकट पे, जो लोग दिल्ली की लोकेशन से फेमिलर है उनको पता होगा, सेक्टर 22 से 3 रुपीज़ की टिकट होती थी अवंतिका। अवंतिका से 970 बस चलती थी जो शादीपुर डिपू उतारती थी। 5 रुपीज़ की टिकट वो होती थी, और शादीपुर डिपू से बैंटेक्स 5 रुपये लगते थे, नहीं 3 रुपये आसपास वो भी लगते थे जो बैंटेक्स लोहा मंडी जाते थे। अच्छा। तो मैं वहाँ पर जॉब करता था, वहाँ पर मैंने करीबन 6-7 महीने जॉब किया, वहाँ से जॉब लेफ्ट किया। फिर मैं रोहिणी M2K के अंदर जॉब करने लगा। M2K पे मैंने 6-7 महीने जॉब किया, और उसके बाद इस इंटीरियर के बिजनेस को फादर ने कहीं काम किया, किसी के यहाँ पर काम करते थे, उनके बाद उन्होंने कहा कि इसको मुझे स्टार्ट करना है। अच्छा। तो मैंने जॉब को छोड़ा, जॉब को छोड़ने के बाद इसी लाइन के अंदर एंटर हो गया। तो हम लोग क्या करते थे, कैटलॉग अपनी बाइक के पीछे बांधते थे, आर्किटेक्ट से मिलते थे, बिल्डर से मिलते थे, और वहाँ से धीरे 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 करते करते यहाँ तक की कहानी है। अच्छा, तो मतलब काफ़ी डिफिकल्ट भी रहा सफ़र है। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है हर चीज़ को करने के लिए, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग करते रहते हैं, और लक सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर। आपकी स्ट्रेंथ, आपको क्या लगता है आपका जो मंत्र ऑफ सक्सेस रहा, जो आपको लगता है आपके बहुत काम आया, और जो हमारे व्यूअर्स में जो यंगस्टर्स हैं, या जो इवन बाय यंगस्टर्स, इवन सीनियर सिटीजंस, इफ दे वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, एंड दे शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, व्हाट आर दोज थिंग्स, या एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए? सर कोई भी काम करो, काम करते 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 उसको बीच में मत छोड़ो। बिकॉज क्या होता था, जब हम इस काम को करते थे तो मैं पूरे मंथ के अंदर, जैसे सपोज 1 तारीख को स्टार्ट होता था नया महीना, 1 तारीख को मैं जब जाता था बिल्डर से मिलने, तो होता था कई बार कि कोई साइट्स क्लियर नहीं हुई, उस साइट को 1 तारीख को मिलने गया हूँ तो होती थी 27 को क्लियर, 28 को क्लियर, मतलब 28 दिन खाली। अच्छा। तो बीच बीच में जब मैं सुबह जाता था, शाम को घर आ जाता था, तो पापा यही कहते थे कि यार तू जा, कोई बात नहीं, काम तो अपना है, आज नहीं आएगा तो कल किसी नौकरी तो नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें होती थी, तो उनकी तरफ से इतना पॉजिटिव मुझे मिलता था, मतलब मैं इतना पॉजिटिव रहता था
कि आज कहीं पे जा रहा हूँ काम नहीं है बट कल कहीं और मिल जाता था। अच्छा। चाहे वो साइड दो रोल की होती थी, चाहे वो 10 रोल की होती थी, किसी दिन 50 रोल की होती। इवन मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि बहुत परेशान था, तिलक नगर रेड लाइट के पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक चिकन की शॉप थी, वहाँ बैठा हुआ था। तो एक न्यूज़पेपर था, तो काफ़ी दिन से कोई काम नहीं था, 7-8 दिन हो गए थे। तो बैठे बैठे मैं वो नॉनवेज खा रहा था, नॉनवेज खाते हुए उस न्यूज़पेपर को मैंने पढ़ा और वहाँ पर लिखा हुआ था होटल पे काम करने के लिए हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, मैंने कहा सर आपका होटल है तो क्या वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट होगी? ये नारायणा के अंदर वॉलपेपर का, मतलब मैंने काम किया था, होटल था तो ब्लू कुछ करके उनका नाम था। मैं वहाँ पर गया कैटलॉग्स लेकर के। अच्छा। अब कैटलॉग्स लेकर के मैं उनके पास पहुँच गया, तो अब वो मेरे को नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। एक न्यूज़पेपर से नंबर उठाया और उन्होंने मुझे बुला लिया कि हाँ भाई वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट है, आ जाओ। पहुँच गया उनके पास, तो टोटल 1 लाख के आसपास का, 1.25 के आसपास का काम था, आई थिंक ऐसे कुछ काम था, 9-10 साल पहले की बात है। तो अब उन्होंने ऑर्डर तो फाइनल कर लिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस टाइम पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए भी हो कि मैं मार्केट से माल को परचेज कर पाऊँ। उधार कोई देगा नहीं, नया बंदा काम है ना, मेरा कोई ऑफिस है ना कुछ है, मैं घर से काम करता हूँ, जिससे माल खरीदना है तो कहाँ से मेरे को उधार देगा? और जिसका काम करना है वो 5,000 एडवांस देगा, 10,000 देगा, 1-1.5 लाख के काम के अंदर प्रॉफिट कितना होगा? 10-20 हज़ार पे, तो बाकी तो 70-80 हज़ार पे। ना क्रेडिट पे नहीं मिलता आपको? नहीं, क्रेडिट नहीं मिलता है। तो 18, चलो क्रेडिट मिलता भी है तो उनको मिलता होगा जो एक रेगुलर काम कर रहे थे, काम ही थे, बिगनर थे और घर से काम कर रहे थे। तो अब कैसे ये चीज पॉसिबल हो सकती थी? फिर आपने क्या किया? तो मैंने पापा तो साथ में थे, तो उन्होंने 5-10 थाउजेंड वहां से पार्टी से एडवांस लिया, 10,000 एडवांस लिया, शॉर्ट था 90,000 के आसपास, जिससे मटेरियल लेना था उसको बताया कि सर ये कहानी हो, कह रहे कोई बात नहीं राजू तू काम कर, अच्छा मेरे से मटेरियल ले ले, 3-4 दिन में पेमेंट दे दो। जैसे ही पार्टी के पास माल छोड़ा, उसे पेमेंट ले ली, उधर उसको पेमेंट दी। तो मेरा पहला प्रॉफिट था जो मेरे ख्याल से 20-25 थाउजेंड के आसपास आया था। तो ये आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट था? हाँ, 3,000 के आसपास की जॉब कर रहा था, कहाँ 25,000 पहले महीने आया, किसी महीने 15,000 आया, तो जॉब करने से अच्छा था। ओके। धीरे 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 चीज चेंज होती गई और उस चीज़ को छोड़ा नहीं, स्ट्रगल करते गए, मेहनत करते गए, बढ़ते गए आगे से आगे और आज आपके सामने है। ओके। सो आप बता रहे थे कि जो आपके सक्सेस मंत्रा के जो कुछ पॉइंट्स रहे वो हम बात कर रहे थे अभी, तो वो क्या हाइलाइटर्स रहे, क्या मेन पॉइंट्स रहे आपके? सर मेन पॉइंट्स ये है कि जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो काम को करते वक्त दो तरफ भागने की कोशिश मत करिए, अपना फोकस एक तरफ पे रखिए, चीट मत करिए। अच्छा, ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से किसी भी काम को करेंगे तो आई थिंक सक्सेस आपको मिलती है। भगवान की तरफ ध्यान लगा करके रखिए। आप इवन मानेंगे नहीं, मैं कोशिश करता हूँ मेरी जितनी भी सेल होती है, पर डे तो नहीं दे पाता, बट मंथ के अंदर कहीं ना किसी भी ना किसी तरह की सेवा जरूर करके आता हूँ। मतलब ये मैं आप, ये हम अभी जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरा कोई मतलब नहीं था इस चीज़ को बोलने का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि गुरु के दरबार में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ पर भी आप सेवा दे, जो भी आपका फेथ हो वो आप दीजिए, चाहे वो आप 1 रुपये कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं। और सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी तरीके का लंगर चला दिया, भंडारा चला दिया, आप उस नींव के ऊपर भी बनाने में सेवा दे सकते हैं कि कहीं कारपेट हो, कहीं राशन हो, कहीं पे दीवार हो, कहीं सीमेंट हो, इस तरह की भी सेवा आप कर सकते हैं। और इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि अगर आपको सक्सेस बनना है तो ऊपर वाले की तरफ भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक बात है जो। ओके अमन जी, सो ये तो था आपके ज़िंदगी का सफ़र। अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं वॉलपेपर्स का, है ना? तो वॉलपेपर्स के बारे में हम ऑलरेडी कई बार कह चुके हैं, फिर भी बता दें कि वॉलपेपर्स इको फ्रेंडली, क्विक, ईजी टू पेस्ट और ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, होम डिज़ाइन में बहुत बहुत काम आते हैं। क्योंकि आप अब हमें बहुत सारे वॉलपेपर दिखाने वाले हैं जी, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वॉलपेपर की जब भी दिखाएं हमको अभी, तो साथ में उनका यूज़ भी बताते जाएं कि किस तरह से आप उनको इस्तेमाल करने का प्रेफरेंस देते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर मैं आज आपको 75 स्क्वायर फीट के रोल्स दिखाने वाला हूँ। अच्छा। जो हैवी फॉर्म्स के अंदर होते हैं, नॉर्मल मार्केट्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते, हमारे अच्छा। गुड़गांव आउटलेट्स पे अवेलेबल है। अच्छा। और प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो करीबन विद इंस्टॉलेशन 1700 का ही आपको कॉस्ट करता है, 1700 रुपये का रोल कॉस्ट करता है। अच्छा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम डिफरेंट है, लग्जरी प्रोडक्ट्स है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए
इस तरीके का प्रोडक्ट आपको हमारे पास मिलने वाला है। लग्जरी प्रोडक्ट है, मतलब सारा हैवी फॉर्म बेस्ड है। अच्छा, नॉर्मल वॉलपेपर्स नहीं है। रोल के अगर हम साइज की बात करते हैं तो 75 स्क्वायर फीट का रोल आ जाता है। इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन ऑप्शन आपको हमारे पास मिल जाएंगे। देखिए, जैसे कि ऑप्शन एक, अच्छा ये दमास है जी, दमास पैटर्न आ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ आपको हमारे पास ये मिलेगी, अगर आप हमारे पास विजिट करते हैं, आप अपने घर का फोटोग्राफ लेकर के आइए, हम आपको हर प्रोडक्ट का लुक बताएंगे, कौन सा प्रोडक्ट लगने के बाद कहाँ पर एक लुक देने वाला है। अच्छा, कितना प्रीमियम वॉलपेपर है। वाओ, और अगर आप इसका टेक्सचर देखें, ये वोवन है, फील कर सकते हैं, ये वोवन है, हाँ नॉन वोवन पॉप, नॉन वोवन है, नॉन वोवन वॉलपेपर है। ओके, तो इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे। और प्राइस रेंज मैंने भी आपको बता दिया है, विद इंस्टॉलेशन ये प्राइस है, होलसेल रिटेल दोनों हमारे पास मिल जाता है। ये देखिए एक लग्जरी वॉलपेपर और, तो इस ये प्रीमियम सेगमेंट हैं सारे, ये सारा प्रीमियम सेगमेंट है। इस तरह के वॉलपेपर्स आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में। अच्छा, और इवन अगर आप देखेंगे जो आजकल बार एरियाज जो रेडी हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी सैलून्स में बहुत ज़्यादा ये पैटर्न चल रहा है। अगर आप इस तरह का पैटर्न लगाते हैं और वार्म वाइट लाइट का आप इसमें इफेक्ट डालते हैं, यूज़ करते हैं इस तरह की लाइट्स को, तो बहुत दीवार आपकी खिल करके आती है। देखिए, अच्छा होता है वो, ठीक है। और बुटीक में भी अक्सर हम देखा करते हैं कि इनको बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे। ये 75 स्क्वायर फीट का रोल है और सारा फॉर्म बेस्ड इटालियन वॉलपेपर है। अब इसके साथ मैं आपको कुछ कोरियन वॉलपेपर्स दिखा देता हूँ। उनका क्या साइज रहेगा सर? कोरियन वॉलपेपर्स जो होता है वो 42 इंचेस उसकी विड्थ रहती है, और एक रोल के अंदर 3 रोल की पैकिंग होती है। अच्छा, तो मैं आपको कुछ रोल्स दिखाने वाला हूँ जो बहुत हैवी ड्यूटी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, दिखा देता हूँ, ये देखिए। ओके, इस तरह का प्रीमियम वॉलपेपर आपको हमारे पास मिल जाएगा। और अगर आप इसका देख रहे होंगे, सारा एम्बोज्ड है जी, जी ठीक है, इसकी एम्बोजिंग आप फील कर सकते हैं। हैवी टेक्सचर्स आपको सारा का सारा हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि ये विड्थ में आपने बताया कि थोड़े ब्रॉड हैं। हाँ, तो क्या इनके इंस्टॉलेशन भी उतना ही कंफर्टेबल हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इजीली ये इंस्टॉल हो जाते हैं। ये क्योंकि इंस्टॉलर का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वॉलपेपर में। सर, मेरे पास जितने भी इंस्टॉलर है काफ़ी परफेक्ट है इसको इंस्टॉल करने के लिए। देखेंगे अगर आप टेक्सचर्स, मतलब रोल का वेट इतना ज़्यादा है कि मेरा हाथ दर्द हो गया इसको अच्छा उठा करके फोल्ड करने में। करेक्ट बात है। ये देखिए, आप पूरा एम्बोजिंग इसका आप फील कर सकते हैं। ये देखिए, जितना भी टेक्सचर आप देख रहे हैं। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। आप वीडियो कॉल अगर करते हैं तो वीडियो कॉल के अंदर हम आपको सारे के सारे डिजाइन दिखा देते हैं। हमारी PDF अवेलेबल है, PDF के थ्रू आप मटेरियल को ले सकते हैं। जो भी गुड़गांव और इसके नियरेस्ट महिपालपुर द्वारका के आसपास जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, यहाँ पर आकर के इस मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। ओके, सारा रेडी स्टॉक आपको हमारे पास मिल जाएगा। क्वांटिटी बल्क बाय करना है तो रिठाला वाले आउटलेट पे आप आ सकते हैं। ठीक है जी। और आपने बताया था कि आपके वैसे चेन भी है, आप चेन के थ्रू भी बिजनेस करते हैं, आप पीपल कैन कनेक्ट विद यू, आपसे जुड़ सकते हैं लोग। जो लोग झारखंड के आसपास हैं, रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर हमारा आउटलेट है, आप वहां से भी मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। वैसे अभी आपने हमें कुछ सैंपल्स दिखा दिए, ओवरऑल कितने डिजाइन्स आपके पास रहते हैं? सर, मेरे पास कोरियन के अंदर अप्रॉक्स आप लेकर के चलिए 36-38 डिजाइन्स अभी अवेलेबल है इन द स्टॉक। अच्छा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजाइन्स अवेलेबल है। ये रेडी स्टॉक आपको हमारे पास मिल जाएगा, जो काफी कम रेंज के अंदर हमारे पास आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इसके अंदर भी अलग अलग डिजाइन्स प्लस एक और चीज हमारे पास है 42 इंचेस के अंदर, जैसे 3 जंबो का सेट है, ऐसे 2 जंबो का और सेट आता है। अच्छा, तो 2 रोल की पैकिंग मिल जाती है, वो आपको रिठाला वाले आउटलेट पर मिलेगी। ओके, ठीक है। तो ये आप जैसे डिजाइन देखेंगे, ये सारे के सारे कलेक्शन हमारे पास है। ये सारे सेम प्राइस रेंज में ना? हाँ, सेम प्राइस रेंज के अंदर है। ये जैसे आप टेक्सचर देखेंगे, ये टेक्सचर आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, जिसको फ्लावर पैटर्न्स चाहिए, फ्लावर पैटर्न्स अवेलेबल है इसके अंदर। अभी मैंने आपको जैसे एक फ्लावर का वाला दिखा था येलोइश शेड के अंदर, इसका ये ब्लूइश पैटर्न अवेलेबल है। अगर आप ये देखेंगे, इसी के अंदर अगर किसी को इस तरह के हैवी पैटर्न्स अवेलेबल है फ्लावर्स के अंदर, तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए आप, ये बैंक्वेट हॉल में काफ़ी सारे इस तरह के पैटर्न्स चलते हैं जी। ये देखिए, हाँ, जनरली ये बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में काफ़ी पॉपुलर हैं जी। और आप इसको आराम से अपने किसी भी फर्नीचर के साथ में मैच कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ब्लू वाला ऑप्शन दिखाया था, उसी का देखिए एक लाइट पिंक के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, तो मेरे पास जितने भी आपको कलेक्शन मिलने वाला है वो सारा प्रीमियम मिलने वाला है। और साथ में इसकी खासियत ये है कि हमारे पास सिलेक्टेड पीस होते हैं, ऐसे नहीं कि 100-200 पीस है, 200 में से सिर्फ 10 पीस
सिलेक्ट करने वाले और 90 ऐसे ही है, 190 ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ सारे के सारे सिलेक्शन वाले पीस है, मतलब हम खुद इस तरीके से कलेक्शन मंगाते हैं कि आते ही कस्टमर को समझ आ जाए। अच्छा, ये देखिए, ठीक है। तो जब हम ढाला पे, मुझे याद है हम आपके साथ शूट किया करते थे, तो वहाँ पे तो हमें बहुत बड़ा स्टॉक देखने को मिलता है ना जी, क्योंकि ये रिटेल आउटलेट है और स्पेस का शॉर्टेज रहता है। ये देखिए, जैसे ये एक ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, अगर किसी कस्टमर को इस तरीके का पैटर्न यूज करना है, जब तक आप ये खोल रहे हैं तब तक हम अपने व्यूअर्स को साथ में ये भी बता दें कि सभी पैटर्न्स के हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं ज़्यादातर दमास हैं, दमास पैटर्न है ये, है ना, मोटिव्स हैं जिनमें। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल, कार्टून, नेचर सारे हैं इसमें, लेकिन ये सेगमेंट में नहीं है। वो इस सेगमेंट में नहीं है, वो दूसरे सेगमेंट में मिल जाता है, क्योंकि ये जो प्रीमियम सेगमेंट आता है उस प्रीमियम सेगमेंट के अंदर लोग ज्योमेट्रिकल पैटर्न को कम प्रेफर करते हैं। अब वो ज़्यादातर डमास पैटर्न में जाते हैं, और प्रीमियम सेगमेंट जितना भी होता है उसके अंदर डमास पैटर्न ही चलता है, क्योंकि आपका जो थीम होता है, जो आप घर का इंटीरियर थीम होता है, वो भी डमास्क में ही चलता है। चाहे वो कर्टन्स की बात करें, चाहे वो अपने बैक की बात करें, तो ये जितने भी ऑप्शंस है वो सब डमास्क में जाते हैं। अच्छा जी, अब एक प्रॉब्लम आती है अमन जी इसके अंदर, कि लोग फीचर वॉल जनरली बनाते हैं, तो एक हाईलाइटर वॉल होता है, बाकी आपकी सपोर्टिंग वॉल होती है। मेरे पास दो सवाल हैं इससे रिलेटेड। ये हमने कुछ सैंपल्स देखे अभी आपके पास में, अब दो तीन सवाल हैं जो रिलेटेड हैं वॉलपेपर से, और लोग जानना चाहते हैं कि एक फीचर वॉल जैसे क्रिएट कर लेते हैं, अब हर वॉल के ऊपर आप दमास या फिर ज्योमेट्रिकल प्रिंट या आप इस तरह के हाइलाइटर्स नहीं लगाते, बाकी के तीन वॉल्स के ऊपर लोग अब जो प्रेफर कर रहे हैं वो ऑल फोर वॉल्स के ऊपर वो प्लेन चाहते हैं, तो इनको सपोर्ट करने के लिए क्या हमारे पास प्लेन में भी हैं कुछ वॉलपेपर्स? सर, जितने भी आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं हमारे पास, इसका प्लेन जो कंट्रास्ट होता है वो अच्छा, हमारे पास मिल जाएगा, जिसका सपोर्टिंग वॉलपेपर होता जी, है। तो आप जैसे थ्री वॉल्स पर प्लेन लगा सकते हैं और एक वॉल को आप हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको पेंट से काफी ज्यादा चीपर कॉस्ट करता है। मतलब अगर आप ये देखेंगे, अगर आपको पेंट लेकर के चलिए 40-45 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास कॉस्ट कर जाता है एक वेलवेट टच की अगर हम बात करते हैं, या अगर हम वाटर, वो आजकल जो एशियन पेंट्स के अंदर काफी सारे ऑप्शन रॉयल वगैरह, और वहीं अगर आप जब इसकी बात करते हैं वॉलपेपर की, जो प्लेन वॉलपेपर्स होते हैं, अप्रॉक्स आपको 13-14 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास कॉस्ट करते हैं इंस्टॉलेशन के साथ। इंस्टॉलेशन के साथ टाइम सेविंग होता है, वाटरप्रूफ होता है, और उस पेपर के ऊपर इन फ्यूचर आप दूसरा पेपर भी लगा सकते हैं। ओके, तो आपको उतारने की जरूरत नहीं, आपकी वॉल भी खराब नहीं होती है, इको फ्रेंडली है, कोई किसी तरह का स्मेल भी नहीं होता है, किसी तरह का स्मेल भी नहीं होता है। और एक चीज और भी है जो हम हमेशा हमारे व्यूअर्स को बताते रहे कि जो वॉलपेपर जो टेक्सचर के ऑप्शन देते हैं वो पेंट में कभी नहीं हो सकता, हजारों आपके पास डिजाइन होती है, हजारों डिजाइंस है, जो उसका टेक्सचर है वो नहीं हो सकता, उसका ग्लिटर नहीं हो सकता, और जितने भी आप ग्लिटर वॉलपेपर के ऊपर देखते हैं सारा वाटरप्रूफ होता है, इन द सेंस कि अगर आप इसको क्लीन करते हैं वॉलपेपर को तो कोई भी ग्लिटर निकल करके बाहर नहीं आता। ओके, और 10 ईयर की हम वारंटी आपको इसमें देते हैं। तो काफी सारी जगह आपने वीडियोज में देखा भी होगा कि खोल खोल के जो दिखाते हैं वो रद्दी होता है, कूड़ा होता है, कुछ भी नहीं होता जी, 10 साल की वारंटी दे रहे हैं। रद्दी भी अगर आप मेरे से परचेस कर रहे हो उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, तो उसमें आपको 10 साल की प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, आई डोंट नो, आई हैव नॉट फॉलोड दैट, बट वन थिंग दैट आई हैव फॉलोड विद यू दैट यू हैव प्रोग्रेस्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आपके वॉलपेपर्स में एक तरक्की है, मतलब देयर इज अ स्टीप चेंज। और सर, आपकी वीडियोस देखने के बाद इतना क्लाइंटेज हमारे पास आता है, बहुत दूर दूर से कॉल्स आती है, और बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हमें मिलता है, और उस पॉजिटिव रिव्यूज और उस पॉजिटिव क्लाइंटेज के चक्कर में ही आज हम यहां पर खड़े हैं। अच्छा, काफी सारी जगह नुकसान भी होता है, नेगेटिव भी होता है, क्योंकि आप हर कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स होती है, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो काफी कस्टमर का टाइमली कॉल पिक हो जाता है, काफी को सर्विस बहुत अच्छी लगती है, काफी को नहीं भी लगती, बट कोशिश ये लगती है कि हर कोई यहाँ से खुश होकर के जाए। ठीक बात है, तो किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट अगर आपकी है, हमारे आप कॉलिंग नंबर पर कंप्लेंट कर सकते हैं, नहीं होता तो डायरेक्टली आप मेरा नंबर ले सकते हैं स्टाफ से, और आपकी कोई भी कंप्लेंट होगी उसका सॉल्यूशन 101% आपको दिया जाएगा। वेल, आपने बात की कंप्लेन की, तो हम बता दें हमारे पास तो ऐसा सो फार देयर इज नथिंग दैट हैज कम ऑन द चैनल पर से, इफ यू लुक एट द नेगेटिव इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स देयर इज नथिंग दैट इज पोस्टेड बाय द पीपल एंड देयर इज नथिंग नेगेटिव हैज कम सो फार, एंड ऑल्सो ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज 9870020721, दैट्स माई पर्सनल नंबर, आई हैव नॉट रिसीव इवन वन सिंगल नेगेटिव कमेंट अबाउट यू, आई डोंट नो हु इज टॉकिंग अबाउट एंड हाउ, सो वील नॉट गेट इन टू दैट डिटेल, एंड सिंस यू हैव शोड अस कपल ऑफ वॉल पेपर्स, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज देर लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड वेयर द हिंदी इज नॉट द स्पोकन लैंग्वेज, राइट, वी हैव सीन सम ऑफ द डिजाइंस एंड इट इज इम्पॉसिबल टू शोकेस एवरीथिंग दैट कम्स योर वे, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ डिजाइंस, थाउजेंड्स ऑफ वैराइटीज, टुडे वी फीचर लॉट ऑफ प्रीमियम सेगमेंट वॉल पेपर्स, बट बिफोर वी साइन ऑफ इज इम्पोर्टेंट टू शो अस कि एक बार दिखा दें कि ये सारे कैटलॉग भी हैं हमारे पास। वी हैव लॉट ऑफ कैटलॉग्स, सो एंड वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ
wallpapers also, like if you want to go geometrical patterns, damask patterns, okay, and I have three kind of wallpaper quality also. Okay. Okay. One is vinyl wallpaper. Second is HD and non-woven and PVC. अच्छा ओके इनका टेक्निकल डिटेल क्या हम कभी हमारे व्यूअर्स को आई डोंट नो हाउ मच इंटरेस्टेड दे वुड बी बट आई एम श्योरली इंटरेस्टेड इन दिस क्विकली अगर आप मुझे बता दें कि क्वालिटी के बेसिस पे आपने बताया पीवीसी जो पीवीसी शीट होती है उसके बनते हैं वो इनमें क्या फर्क होता है पीवीसी एक मटेरियल होता है पीवीसी से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है जैसे पीवीसी पैनल पीवीसी पाइप पीवीसी मतलब बहुत सारी चीजें तो पीवीसी एक वाटरप्रूफ कंटेंट है अच्छा ठीक है पीवीसी जो कंटेंट है वो वाटरप्रूफ है जिसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं अच्छा। हर जगह इन द सेंस किसी ने उसको पाइप के अंदर यूज़ किया है किसी ने उसको फ्लोर पे अंदर यूज़ किया है किसी ने उसको छत पर यूज़ किया है ये वाटर प्रूफ है फर्नीचर के ऊपर हमने इसको वॉलपेपर के ऊपर यूज़ किया अच्छा। हुआ है पीछे की जो लेयर है नॉर्मल कागज है कागज को वॉल पे चिपकाया जाता है फ्रंट जो होता है ये वाटर प्रूफ हो जाता है पीवीसी कोटिंग की वजह से ओके ठीक है ऐसे विनाइल आता है नॉन वूवन आता है नॉन वूवन क्या है नॉन वूवन भी एक पेपर होता है वो लेयर जो होती है वो कम से कम केमिकल को यूज करके बनाई जाती है इन द सेंस कि अगर आपने उसको वॉल पर लगा लिया है अब आपको पेपर को दीवार से हटाना है तो आपकी वॉल खराब नहीं होती एग्जैक्टली एक ही लेयर होती है पूरी की पूरी उतर करके वापस आ जाती है जो ये वाला फीचर पीवीसी में नहीं है पीवीसी में नहीं है पीवीसी में क्या होता है जब आप उसको वॉल से उतारते हैं तो उतारते वक्त पीवीसी उतर जाता है और कागज दीवार पे चिपका रह जाता है अच्छा छोटे छोटे रेशे होते हैं वो चिपके रह जाते हैं दीवार पे ऑलराइट तो इंडिया से बाहर नॉन वूवन कॉन्सेप्ट जो है वॉलपेपर का ज्यादा चलता है क्योंकि वहाँ पे लेबर की प्रॉब्लम होती है बंदा खुद ही लगाता है खुद ही उतारता है इंडिया के अंदर मैन पावर है अवेलेबल रहती है तो कस्टमर थिकनेस के हिसाब से मोटे के हिसाब से मोटाई के हिसाब से पीवीसी की तरफ जाता है लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं है ऐसा नहीं है कि मोटा है तो अच्छा हाँ सर एक मेरे को जहां तक समझ आता है जितना मोटा पेपर होगा आप खुद सोचिए जितना मोटा पेपर होगा उसका जॉइंट उतना ज्यादा नजर आएगा बिल्कुल बिल्कुल जितना पतला पेपर होगा उसका जॉइंट उतना ही कम नजर आएगा हाँ, क्योंकि फुल बॉडी वर्क तो होते नहीं वॉलपेपर की थिकनेस में नहीं जाना चाहिए ये मेरा एक अपना सजेशन है आप थिकनेस में मत जाइए आप वॉलपेपर की डिजाइनिंग कलर और उसकी एम्बोजिंग अच्छा, उसके ऊपर जाइए कि okay. क्या आपको वो समझ आ रही है क्योंकि मैं आपको सस्ते से सस्ते वॉलपेपर में भी 10 साल की वारंटी दे रहा हूँ और महंगे से महंगे में भी तो इसका मतलब okay. वॉलपेपर सस्ता भी उतनी ही लाइफ खींचता है और महंगे से महंगा भी उतनी लाइफ खींचता है सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस में इसलिए फर्क आ गया क्योंकि डिजाइनिंग का फर्क आ गया कलर का फर्क आ गया करेक्ट तो जब अगर मैं आपको 500 के प्रोडक्ट पर 10 साल की वारंटी दे रहा हूँ और 10,000 के प्रोडक्ट में भी 10 साल की वारंटी दे रहा हूँ दैट मीन्स कि पेपर कभी खराब ही नहीं होता आप न्यूज पेपर भी अगर दीवार पर लगा दोगे खराब नहीं होगा ओके हाँ आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आल्सो यू सेड द सेम थिंग आपने यही हमको बताया था और कुछ कमेंट्स और थे हमारे पास कि ग्रास होती है ग्रास एसर फेविकोल से चिपकती है और ऐसे चिपकती है और उससे होता है ऐसे पेस्ट किया जाता है काफी पुरानी वीडियोस के अंदर दो तीन रिप्लाईज थे मैंने करे भी है उनको कि सर क्लियरली बताया था कि जो लोग ये सजेशन देते हैं वो सिर्फ पैसा बनाने का तरीका है कि ग्रास को एसआर 505 से फिक्स कर सिर्फ नेलिंग से ही ग्रास टिकती है उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है I'm listening this for the first time. I didn't know that somebody has posted a comment like this. आप चेक करिएगा मैं अच्छा। टैग करूंगा ठीक है सो और हमारे पास ये सारे की सारी वैरायटीज मिल जाती है और इस वीडियो को सिर्फ बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप हमारे पास विजिट करिए प्रोडक्ट्स को देखिए बिजनेस स्टार्ट करने वाले जो लोग हैं वो देखिए क्योंकि काफी टाइम से हम जो वीडियो शूट करते हैं रिठाला आउटलेट की हो रही थी या पीतमपुरा वाले आउटलेट्स की हो रही थी इस आउटलेट को हम शूट नहीं कर पा रहे थे अब शूट किया है जो लोग नजदीक रहते हैं आप प्लीज हमारे पास आइए प्रोडक्ट को देखिए और बाय करिए और जुड़िए क्लैप ट्रैप से और HUM Decor अमन आहूजा से थैंक यू वेरी मच थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल इन्फॉर्मेशन आप आज बहुत मजा आया और पूरा पर्पस हमारा ये शूट कितने बजे कर रहे हैं 11:10 होने वाले हैं okay. रात के अच्छा दिखाइए ओके लव ठीक है तो 11:10 होने वाले हैं मेरे ख्याल से पहला शूट होगा आपका भी हाँ आई हैव नेवर शॉट इट नाइट एंड आई नेवर शॉट एनीबडीज बायोग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय करियर आई एम शूटिंग दिस बायोग्राफी मुझे नहीं पता कि लोग इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे कैसे लेंगे बट एक शायद हमारे शॉट से हम इसको एडिट नहीं करते मतलब एक ही शॉट में जो चल रहा है वो चलता जाता चलता जाता चलता जाता हाँ, है जनरली यू आर प्रॉन टू योर एक्सपर्ट योर मेरे अगर आप सर जितने भी ब्लॉग्स होते हैं जितने भी शूट्स होते हैं जितने भी हम वीडियो शूट्स करते हैं अगर आप वो भी देखेंगे हमारे व्यूअर्स भी अगर वो चीज़ देख रहे होंगे तो मेरे जितने भी शॉट्स होते बहुत कम कट किए जाते हैं जी अगर कट किए जा रहे हैं तो वो यूट्यूबर्स की तरफ से किए जाते हैं
कि वीडियो लंबी होगी तो उसको बीच में कुछ भी कैंची मार के हटा दिया, अदरवाइज मैं वीडियो एक ही शॉट पे शूट करता हूँ, मेरे को चार शॉट पांच शॉट नहीं चाहिए था कि जो मन में है मैंने बोल दिया। आई नो तो समटाइम्स इट्स अबाउट द ड्यूरेशन आई गेस, बट जनरली आई डोंट फॉलो एनीबॉडी सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस पीपल आर मेकिंग, बट आवर वीडियोस जनरली आर लॉन्गर देन। मेरे को फॉलो करो आप, आई एम फॉलोइंग यू, नोबडी एल्स। आप HOM डेकोर को, अच्छा मैं देख रहा हूँ उसके अंदर, मैं अपने चैनल के अंदर देख रहा हूँ कि काफी सारे क्लैप ट्रैप और क्लैप ट्रैप के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो मुझे पता लगा कॉमन पीपल्स पता लगा उसपे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू शेयर्ड, यू ओपन्ड अप, एंड इट वाज एन इमोशनल जर्नी दैट यू शेयर्ड विद अस, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल लर्न समथिंग फ्रॉम दोज स्टोरीज। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सो आउटस्पोकन। ये स्टोरी जो थी सिर्फ उन्हीं के लिए थी, वो जो नए बिगनर्स है जो जुड़ना चाहते हैं। एक मैं आपसे बात भी शायद डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कैसे ये वीडियो लंबी होती जा रही, कोई बात नहीं, इसको जब हम 15 मिनट्स का डालेंगे, 1 आवर का डालेंगे, कुछ लोग इसको लास्ट तक भी देखेंगे। एक आपसे मैं डिस्कस कर रहा था कि जो वो बच्चा 12th कंप्लीट कर लेता है, कॉलेज कंप्लीट कर लेता है, पिताजी को नया धंधा स्टार्ट करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा लगाना है 15 से 20 हज़ार पे, 20 हज़ार पे लगा भी दिया, बट माल खरीदने के बाद उसको बेचने की ट्रिक नहीं पता है। मेरे साथ भी थी। अच्छा, आपके साथ माल आ गया, सब कुछ आ गया, बेचूं कैसे? तो मैं तो यहाँ आ गया बेचने के लिए और मेरा माल बिक रहा है। अच्छा, तो मैं वही चीज़ चाहता हूँ कि जब आप इस तरीके, जो भी फादर्स, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने बच्चों को नया बिजनेस स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आप चाहे हमारे पास विजिट करिए, मेरी बताई हुई चीज़ों को समझिए। आपको तो मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है जो पेरेंट्स है, बट जो बच्चे हैं उनको एक बारी मुझसे मिलवाइए। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को नहीं, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब नॉलेज, आप जरूरी नहीं है कि वॉलपेपर ही बेचना है या कहीं से कोई दूसरा प्रोडक्ट ही बेचना है, आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, सिर्फ आपके पास स्ट्रिक्ट और एक प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए। लवली। तो आप अगर मेरे पास से वॉलपेपर परचेस करते हो, आप सुनिए, आप मेरे पास से वॉलपेपर परचेस करते हो, तो मैं जरूर आपको ये चीज बताऊंगा किस तरीके से आपको कस्टमर को चीजें बतानी है, क्या साइजेस। जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली किसी भी चीज को सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो कुछ सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे पास माल खरीदने के साथ साथ प्रोडक्ट की नॉलेज भी दी जाती है। सुपर गुड। जिसने प्रोडक्ट की नॉलेज दे दी उसने सब बेच दिया। फाइनली वी नीड टू साइन ऑफ नाउ। आप बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये, तो आप ना केवल इंटीरियर गुरु हैं बट ऑल्सो आप मार्केटिंग गुरु भी हैं। आप लोगों को ट्रेन कर पाते हैं कि उनको एक्सपर्ट बना पाते हैं, उनको हेल्प कर पाते हैं कि वो अपना बिजनेस अपना खुद से स्टार्ट कर सकें। सो पीपल कैन गेट इन टच विद यू। ठीक है, इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी एंड आई नो आई नॉट होल्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको बहुत दूर भी जाना है अभी, इट ऑलरेडी मिडल ऑफ द नाइट है। प्लेजर टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, आपको बताने कि आप किस तरह से 100 स्क्वायर फीट के वॉलपेपर पा सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि वॉलपेपर की इंपॉर्टेंस आपके ख्याल से क्या है, और आपको मिलेगा 100 स्क्वायर फीट वॉलपेपर एब्सोल्युटली फ्री।